जय बजरंगबली। हर हर महादेव। एक रूल चलेगा, जब मैं खेलूंगा तो कोई रूल नहीं होगा, और ये खेलेगी तो सब एप्लीकेबल होंगे। हाँ यार, ये समस्या भिवानी में भी देखी जा सकती है। पिछले पांच एक फील्डिंग करने के लिए यहाँ पे एक मेंबर को बैठा रखा है एक कोने पे, और एक बैठा है यहाँ पे जिसका नाम है रोमियो, इसको आप सभी लोग जानते हैं। ये जो हमारा खिलाड़ी है इसको हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक भी बैट एक भी बॉल नहीं मारने दे रहा है। इसको गेम से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अभी हमारे फील्डर की बारी है, अब देखते हैं ये कैसी फील्डिंग करता है। सही में यार, इसने भी हमारे साथ बहुत मजे किए, बहुत खेला। ये भी जैसी बॉल आती थी ना, भाग के कैच करने जाता था। तो हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो बिना स्विच ऑन किए वीडियो का वीडियो शूट कर देता है। हाँ, आप मिलिए उस इंसान से, वो ये इंसान है। अरे यार, मैं ना हमेशा इसको जो माइक की जो केबल है इसको मैं फ़ोन में अटैच करना भूल जाती हूँ, इसीलिए ये सारी बातें मेरे लिए हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी अपना घर का छोटा मोटा सामान लेने, जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया तो जा रहे हैं। बट उससे पहले हमारी गाड़ी का देखा हमने, अपने खाने का इंतज़ाम तो हम करने में लगे हुए हैं, गाड़ी बेचारी भूखी बैठी है, तो पहले गाड़ी को खाना खिला के लाते हैं। गाड़ी के खाने के लिए हम पहुंच गए हैं गाड़ी के रेस्टोरेंट पे, जिसको बोलते हैं पेट्रोल पंप। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस टाइम पे मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम पे इस गाड़ी में जब डीजल डलता था तो काफ़ी कम प्राइस थे। हाँ भैया देखते हैं। ये वो पेट्रोल वाले भैया हैं जो हमेशा मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। पिछले 6 साल से कंटिन्यूसली मैं यहीं से पेट्रोल डलवा रहा हूँ, चाहे मेरी गाड़ी कहीं पर भी हो, बाहर से मैं बहुत कम पेट्रोल डलवाता हूँ, मैक्सिमम यहीं से डलता है। अगर किसी को लगता है ना कि पार्किंग की समस्या सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में ही है, ये समस्या भिवानी में भी देखी जा सकती है। पिछले 5 मिनट से मैं पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा था, अब जाके किसी की शॉप के सामने पार्क की है गाड़ी, और अब हम जाएंगे हमारे जो एक यहाँ पे बहुत सालों से बंदा है जो टिक्की की स्टॉल लगाता है, आज हम उसकी टिक्की का मज़ा लेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उसके पास। ये है वो टिक्की की शॉप, बहुत बढ़िया टिक्की बनाता है, बचपन से इसकी टिक्की खा के बड़े हुए हैं हम। पर मैं अभी मैगी खा के आई थी, मेरा पेट थोड़ा सा फुल लग रहा है, आप खा लो कोई। चल मैं एक प्लेट बनवा लेता हूँ। पता नहीं चला। ये आ गई है हमारी टिक्की दही वाली, तो अभी मैं इसको खाऊंगा। एक चम्मच और ले लेते हैं, एक चम्मच और देना। वहाँ पे बैठने के लिए स्पेस नहीं था,
तो हम अपनी गाड़ी में ही बैठ के टिक्की का मज़ा लेंगे अभी। तो मैं अपनी गाड़ी के पास वापस से आ गया हूँ, अब गाड़ी में बैठ के ही टिक्की खाई जाएगी। दूसरा वहाँ पे लाइट भी कम थी, तो अब हम वापस अपनी गाड़ी में आ गए हैं और यहीं पे बैठ के टिक्की खाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो मैं एक बार इसको खा लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, वहाँ पे देख भी नहीं थी, जो एक्चुअल यूएसपी है ना, ये वो नहीं है, ये सिर्फ दही वाली है। वैसे तो वो बनाता है छोले की सब्जी के साथ, टिक्की डाल के देता है और काफ़ी टेस्टी बनाता है। बहुत टाइम से हम उसके पास इसके पास से हम खा रहे हैं। और ये जो आसपास का जो भी पूरा एरिया है यहाँ पे बहुत फेमस है और इसको और चार सेल दे दो घड़ी वाले, हाँ, और रिमोट वाले। दो रिमोट वॉच की चाहिए, बड़े वाली। पास में एक शॉप खुली हुई है जिस पूरा घर का सारा सामान मिल जाता है और मोस्टली हम यहीं से सामान लेके जाते हैं। तो आप लोग भी, हाँ, और ये बता रहा है होलसेल रेट पे सारा। तो फिर हमारे आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, जो सब भी था हमने दिन में आपको अपने ब्लॉग में दिखाया। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब अभी के अभी करें। एंड आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबके साथ हमारे ब्लॉग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी हमारा ब्लॉग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।